कोरोना संक्रमण से ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधि गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना के मामले सामने आने के बाद गांव में अब जांच सैंपलिंग से लेकर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चलते अब जनप्रतिनिधि गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता है। इंदौर जिले के सभी ग्राम पंचायत में कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। मेरा गांव कोरोना मुक्त कैसे हो, इसके लिए गांव में बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, शासन और प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी हम और समाजजनों के माध्यम से भी हमारा ये प्रयास है निरंतर कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि थोड़ा सी अवेयरनेस की आवश्यकता है और इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच में इसकी गंभीरता को लेकर लोगों में जानकारी वहाँ तक पहुँचे तो निरंतर हमारा प्रयास है। हमसे चर्चा भी हो रही है और कल से सभी ब्लॉक केंद्र हम चारों जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे, महू है, देपालपुर है, सांवेर है, राऊ है, वहाँ के केंद्रों पर समाज के कुछ प्रमुख लोगों को लेकर और अधिकारियों के ने जो योजना बनाई उस योजना के माध्यम से जो RRT है, RRT मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे पेशेंट जो घरों पर रहकर इलाज कर रहे हैं या किसी कारण से उनके अंदर जो डर है और भय है लेकिन घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसके कारण हमने देखा कि पिछले दिनों संक्रमित लोगों की संख्या थोड़ा तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्र में हुई है तो उनको वहीं पर ट्रेस करके इंदौर ज़िले के लगभग सभी ग्राम पंचायत केंद्रों में CCC हम जो है कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में उनकी ज़्यादा अच्छे से देख रेख कैसे हो सकती हो इसके लिए वहाँ पर उनके खान पान और रहन सहन रहने पर दोनों की व्यवस्था, धोबी की व्यवस्था हो ताकि उनके खाने की और वहाँ के बिस्तर की व्यवस्था सब व्यवस्थित हो सके, खाने में उनके लिए अच्छा भोजन हो सके, दूध हो उसमें दही हल्दी वाला दूध हो ताकि एक जो भ्रांति और डर उनके अंदर है कि अगर हम कोविड केयर सेंटर में जाते हैं तो वहाँ हमको भोजन ठीक से मिल पाएगा कि नहीं, हमारी केयरिंग ठीक से हो पाएगी कि नहीं, हमको दवा ठीक से मिल पाएगी कि नहीं, संक्रमित होने के बाद में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है जो उसको बताना है, समझाना है, फिर मेरा गाँव कोरोना मुक्त कैसे हो, इसके लिए भी हम उनसे जाकर कल से गाँव में ही बैठकें करने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं कि गाँव में बाहर की आवाजाही पर भी रोक हो और वह स्वयं भी बगैर किसी कारण से घरों से बाहर नहीं निकलें तो बेहतर से बेहतर सुविधा उनको हम गाँव में ही उनके घरों पर कैसे दे सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट इलाज हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ की जो स्थानीय स्वास्थ्य टीमें हैं उनके भी माध्यम से, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी घरों तक हम लोगों पर भेज कर उनको इसकी वास्तविकता से की जानकारी देकर स्थानीय हम लोगों हमसे जोड़कर ये सब प्रयास हम निरंतर बैठकों के माध्यम से करने वाले हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर की माने तो बैठकों के लिए सभी दल और क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा जाएगा। 100% कल की जो हमारी बैठक है जो मैंने भी आपसे जिक्र किया कि हम समाज जनों को लेकर, तो कल से हम दोनों विधानसभाओं के ब्लॉक केंद्रों पर ऐसे सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में रहकर समाज सेवा का काम करते हैं जिनका अच्छा अपना अनुभव भी है, स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जो इनिशिएटिव लेके काम करते हैं ऐसे उन सभी लोगों को लेकर और सभी दलों के लोगों को लेकर, इसको हम कोई दलील नहीं बल्कि हमारा आह्वान है कि हर दल का व्यक्ति हो, हर क्षेत्र का व्यक्ति हो जिसका लाभ हमको मिल सकता हो, जिसके अनुभवों का लाभ हम ले सकते हैं, जिनका सहयोग लेकर हम लोगों की सेवा बेहतर रूप से कर सकते हैं, उन सबको जोड़कर कल से बैठक में प्रारंभ करना है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए गाँव में बैठक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।